अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्पाइस कुजीन। आज मैं आपके साथ एक झटपट से बनने वाले मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी, कुकीज़ की। और ये हम बनाएंगे पीनट बटर कुकीज़, जिसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं और ये सिर्फ 12 से 15 मिनट में मुकम्मल तैयार हो जाते हैं बेकिंग के साथ। ज़बरदस्त ये रेसिपी है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, क्योंकि क्विक और थोड़े जा वाली चीज़ें तो सबके लिए आसान होती हैं बनाना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रेसिपी से। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है पीनट बटर, और ये मैंने लिया है 300 ग्राम। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंक्स वाला या चंक्स के बग़ैर, जो आप पसंद करते हैं वो आप ले लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, ये मैंने बारीक वाली चीनी ली है 100 ग्राम। आप चाहें तो आप इसमें ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी मकदार को आप 150 ग्राम तक भी बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं। और इसका आखिरी इंग्रेडिएंट जो है वो है अंडा, एक अदद मैं इसमें डालूँगी। ये तीनों चीज़ें डालकर आप एक स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पीनट बटर काफ़ी स्टिकी होता है, इसलिए आप हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाएं। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी आएगी, काफ़ी थिक सी और काफ़ी स्टिकी। इसको इसी तरह का होना चाहिए। अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया है, इसकी मदद से मैं बॉल्स बना रही हूँ। जितने आप चाहते हैं आप उस हिसाब से बना लीजिए, जितने साइज़ में। इस तरह एक बॉल बना के इसको ऊपर से थोड़ा सा फ्लैटन कर दें, और यहाँ मैंने बेकिंग पेपर लिया है, इसके ऊपर आप बनाकर इन बॉल्स को हल्का सा ऊपर से फ्लैटन करें, और इसके ऊपर आप असेंबल करते जाएँ। ये देखिए मैंने कुकीज़ के लिए ये बॉल्स तैयार कर ली हैं, ऊपर से फ्लैटन कर दिया है। अब मैंने एक कांटा लिया है, और उसकी मदद से ऊपर से मैं इनको और प्रेस कर रही हूँ। एक तो इनकी शेप इस तरह से अच्छी आएगी, और दूसरा इसके ऊपर ये डिज़ाइन भी बन जाएगा जो दिखने में अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैं इन तमाम कुकीज़ को कर लूँगी। कुकीज़ तैयार हैं अब बेक होने के लिए। मैं इनको बेक करूंगी 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 12 मिनट के लिए। आप चाहें तो आप इसको अवन के बग़ैर भी बना सकते हैं, मैं आपको अवन के बग़ैर बेकिंग कैसे करते हैं ये सिखा चुकी हूँ। तकरीबन 10 मिनट के बाद, मेरे अवन में इसको 10 मिनट लगे थे बनने में। ये देखिए ज़बरदस्ती फूल भी चुकी हैं, और इतना ज़बरदस्त इनके ऊपर कलर आया है, इनको मैंने निकाल लिया है। सर्दियों में तो ये बहुत मज़े की लगती हैं, आप इसको हॉट चॉकलेट के साथ या कॉफ़ी के साथ इंजॉय कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।